मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि मानव जीवन को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है तथा कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी के रूप में फैली है उसके बचाव के दृष्टिगत त्योहार हम सब अपने घरों में ही मनाएं और सामूहिक भीड़ से बचें। बचाव ही इसका उपाय है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने अपने परिवार तथा राष्ट्रहित में कोविड नियमों का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए क्योंकि जीवन रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाए तथा आम नागरिक भी अफवाहों का खंडन करें। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व पर ताजिया जुलूस आदि की मनाही है। कोरोना वायरस को रोकने के दृष्टिगत इसका अनुपालन आवश्यक है। जिलाधिकारी ने कहा कि असामाजिक तत्वों एवं सामाजिक सद्भावना बिगाड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा तथा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी SDM एवं CO को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्रों में त्योहारों के दृष्टिगत शांति समिति की बैठक आयोजित कर लोगों को शासन के दिशा निर्देशों से भली भांति अवगत करा दिया जाए तथा परंपरा को देखते हुए गाइडलाइन के अनुसार कार्रवाई किया जाए। बैठक में SP सिटी सोनम कुमार, SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह, SDM सदर कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित संबंधित विभागों के संबंधित अधिकारी, CO सहित शांति समिति के सदस्य डॉक्टर सुधाकर पांडे, आदिल आमिन, सरदार बलवीर सिंह, इमरान खान, शाकिर अली सलमानी और इमाम चौक के मुतवल्लियों के अध्यक्ष अब्दुल्ला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में शांति समिति के सदस्य शाकिर अली सलमानी, इरशाद अहमद और SDM सदर कुलदीप मीणा ने कहा, मामले पेंडिंग है जहां दो समुदाय के बीच में या दो हमें गवर्नमेंट की नियुक्ति गई थी तो विभिन्न बिंदुओं में से मैं सभी SOs को CO को SDM को लिखित में जारी किया है। उन्हें कहना है तो मिला नहीं क्या CO बैठे तो हमारे उस समय तुरंत उसका खंडन करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आपको सहयोग बताइए सर। जैसे सारे जन उस जिले के निकलते हैं शाकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर, इमामबाड़ा मतवलियान कमेटी सदस्य। आज जिलाधिकारी गोरखपुर ने जो मीटिंग किया है जिला शांति सद्भावना समिति की, मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के हेतु, इस मौके पे इमामबाड़ा मतवलियान कमेटी सैयद इरशाद अहमद, इमाम चौक मतवलिया कमेटी हमारे अब्दुल्ला भाई, आदिल अमीन साहब, बलबीर पुंज साहब, डॉक्टर सुधाकर पांडे जी, हम सब लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की है कि मुहर्रम के अवसर पे जो गाइडलाइन आया है कि जुलूस नहीं उठेगा, ताजिया का जुलूस नहीं उठेगा, ऐसे में कम से कम 9वीं और 10वीं मुहर्रम को इमाम चौकों पर शरबत रख के फातिहा करने की अनुमति हम मुतवल्लियों को मिलना चाहिए। हम लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए कम से कम फातिहा कर लें इमाम हुसैन के नाम पर और उनकी याद मना लें, उनका दर्द जो गम उनके ऊपर हुआ, यजीद ने जो जुल्म ढाया है, हम घरों में इमामबाड़ों में मना सके, जुलूस नहीं निकालेंगे, ताजिया नहीं निकालेंगे, भीड़ नहीं निकालेंगे, पूरे गाइडलाइन का पालन करेंगे। इसरार अहमद, आज शांति समिति की जो मीटिंग मुहर्रम के बारे में मीटिंग हुई हम लोग की, उसमें यह स्पष्ट रूप से हुआ कि जो गाइडलाइन आई है प्रशासन द्वारा उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाया है कि सर इमामबाड़े पे जो लाइट का ड्यूरेशन है और जो हारन लगते हैं इसकी अनुमति दी जाए, क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले इमामबाड़े हर मोहल्ले से जुलूस निकलता नहीं। हम अपने हसन हुसैन की याद में
उस इमाम बाड़े को सजावट तो कम से कम कर लें, वहाँ एक माइक एक हारन की अनुमति हम लोग को दी जाए। क्या मिला सर? ये हुआ कि सारे चौक इमाम बाड़ा के लोग वहाँ के लिखित लोग देंगे डीएम को, डीएम साहब उस पर विचार करेंगे, फिर उस पर आगे कार्रवाई होगी, उस पर अनुमति दी जाएगी। आगामी मुहर्रम और रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इसके अंदर जो शासन से गाइडलाइन आई है इसको विस्तृत रूप में बताया गया और सभी लोगों के मत सभी लोगों द्वारा रखे गए और उसी में सभी को समेकित रखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जिलाधिकारी द्वारा आज जारी कर दी जाएगी और सभी से आशा की जा रही है कि उसी के अनुसार हम हमारे त्यौहार मनाएंगे।